नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें 29 नक्सलियों को मार दिया गया। हमले में 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव को भी मार गिराया गया। मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए। IGP सुंदरराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के जंगलों में अब भी मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी है और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। इस मुठभेड़ का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ जवान तब पोजीशन लेते हुए नजर आए, फायर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिस जवान ने वीडियो बनाया वो कह रहा है कि एकदम आगे नहीं, आड़ लेते हुए पीछे वाले फायर मत करना, ज्यादा नजदीक मत जाओ। एकदम आगे नहीं, आराम से, आड़ लेते हुए। तो पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। तो ये कल की तस्वीर है। पीछे वाले तो करना ही मत फायर भाई। तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर, और ये जब मुठभेड़ हुई उस वक्त की तस्वीर बताई जा रही है कि एक जवान ने ये वीडियो बनाया है और उसमें कुछ एक गोलियां चलने की आवाज सामने आई है। हालांकि मुठभेड़ जो हुई उसमें तो जाहिर सी बात है कि जब आमना सामना हुआ होगा तब तो 29 नक्सली जब मारे गए हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर गोलीबारी दोनों तरफ से हुई होगी, जिसमें हमारे 3 जवान जख्मी हुए, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन ये वीडियो भी एक सामने आया है और ये इसमें बताया गया है कि ये वीडियो जब नक्सली वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे और जवानों को जानकारी मिली कि जवान आगे बढ़ रहे थे, तब का ये वीडियो है। सुनवाते हैं उसमें क्या कुछ कहा गया। एकदम आगे नहीं, आराम से, आड़ लेते हुए। तो पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। ये कि कितने विपरीत हालात में हमारे जवान जो हैं वो पूरी सुरक्षा हमको प्रदान करते हुए पीछे वाले तो करना ही मत फायर भाई आमना सामना करते हैं। इधर कांकेर में जो मुठभेड़ हुई है नक्सलियों से, इसमें बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई ऑटोमेटिक हथियार हैं, कई अत्याधुनिक हथियार इसमें शामिल हैं। इसमें एक 47 भी है, इसके अलावा दूसरी राइफल्स भी हैं। बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। 29 नक्सली मुठभेड़ में ढेर किए गए, जिसमें 15 नक्सली महिलाएं हैं और 14 पुरुष नक्सली हैं। मारे गए नक्सली शंकर राव पर 25 लाख रुपए का इनाम था। मारी गई नक्सली ललिता पर 8 लाख रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ का पहला बड़ा एनकाउंटर जहां 29 नक्सलियों को जो है पुलिस ने और BSF के जवानों ने मार गिराया है और 29 नक्सलियों के 100 के साथ जो है आप देख सकते हैं यहां पर हथियारों का जखीरा जो है यहां पर बरामद किया गया है। जखीरे के साथ साथ उनके कपड़े, राशन की सामग्री, बर्तन और कुछ दवाइयां भी आपको दिख रही हैं। कई प्रकार की यहाँ पर दवाइयाँ हैं, बुखार की है या सर्दी खांसी की है, मलेरिया की, इस प्रकार की दवाइयां हैं। उसके साथ साथ जो है यहां पर देसी हथियार भी आपको दिख रहे होंगे जिसका उपयोग जो है नक्सली करते थे। और देखिए कितने सारे अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहां पर जो है नक्सलियों के 100 के साथ इतने सारे जो है सामग्रियाँ पुलिस के जवानों ने घटना स्थल से बरामद की है और अब जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका खुलासा आज पी सुंदरराज जी ने किया है। खेम नारायण शर्मा, News 18 कांकेर। और कांकेर के जंगल में मुठभेड़ में जवानों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। नक्सलियों की मांद में जवान कैसे पहुंचे, DR
टीम की अगुवाई करने वाले लक्ष्मण केवट ने बताया कि केवटो को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। 60 से ज्यादा एनकाउंटर का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। 6 बार राष्ट्रपति सम्मान से वे सम्मानित भी हो चुके हैं। 16 तारीख को प्रदेश में क्या हुआ ये सब जानने लगे हैं। 16 तारीख को एक बड़ा एनकाउंटर हुआ जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं। अब उन 29 नक्सलियों को मारने के लिए वहाँ पहुँची जो फोर्स है, DRG का जो बल है, उनकी अगुवाई करने वाले लक्ष्मण केवट, जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं कि इस एनकाउंटर का की शुरुआत कैसे हुई। बताएंगे सर, आप लोगों का जो एनकाउंटर है, इतनी बड़ी एनकाउंटर है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों का जो जमावड़ा है मार के क्षेत्र में, जो छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में आता है वो जगह, वहाँ जमावड़ा की सूचना मिल रही थी। इस सूचना की तस्दीक के लिए एसपी सर से इस बार सूचना को बताया। सूचना में एसपी सर के पास भी ये सूचना था कि वहाँ नक्सली जो है लोकसभा चुनाव में किसी पोलिंग पार्टी को जो पिछली बार नुकसान पहुँचाए थे, इस बार भी ऐसी योजना है। तो इस योजना सूचना की तस्दीक करने के लिए DRG बस्तर फाइटर और BSF की संयुक्त टीम मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किए, और ऑपरेशन के दौरान ये जो घटना हुआ ये बिना गुंडा और कल्पर के पास का है, जो कि मतलब हाइट पे नक्सली इकट्ठा होकर वहाँ से रणनीति बना रहे थे। उस जगह पे जैसे हम लोग सर्चिंग करने गए तो उनको पुलिस के आने की सूचना पहले से भनक पड़ गई थी। तो उन लोगों ने वहाँ पे पुलिस के ऊपर एम्बुश लगाया। एम्बुश लगाने के बाद बम ब्लास्ट किया। बम ब्लास्ट करने के बाद वो लगातार फायरिंग करते रहे, लेकिन हम लोग सूझबूझ के साथ उनके बम ब्लास्ट से बचे, और उनके फायरिंग करने से हमारे 2 जवान घायल भी हो गए। इसके बावजूद भी हम लोगों ने आत्मसमर्पण के लिए बोला, पुलिस की उपस्थिति बताई, लेकिन वो लोग लगातार फायरिंग करते रहे। तब हम लोग आत्मसुरक्षा नक्सलियों के ऊपर फायरिंग किए, और फायरिंग करीब दोपहर में 12 बजे शुरू हुआ और ये 4 बजे तक चला, और इस बीच फायरिंग बंद हुआ। फायरिंग बंद होने पर जब घटनास्थल को सर्च किए तो वहाँ पे 29 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला, जिसमें महिला पुरुष सभी वर्दीधारी नक्सली थे। देखा गया सर, उनके पास भी पर्याप्त हथियार नजर आ रहे थे जिसमें आप लोगों ने बरामद करके लाया है, वो हथियार का उन लोगों ने उपयोग किया कि नहीं? वो लोग 4 घंटे तक इनकाउंटर चला। उनके द्वारा भी पूरा अपना मतलब पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास किए, लेकिन पुलिस के द्वारा आपसी तालमेल और सूझबूझ से लड़ने के कारण उनको मतलब पुलिस उस पर ज़्यादा हावी रही और नक्सलियों को नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा सर, आपने 60 से ज़्यादा एनकाउंटर किया है, ये रिकॉर्ड भी दर्ज है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो एनकाउंटर है उसमें आपको कैसा अनुभव रहा, कैसा क्षेत्र था, कैसा स्थल था जहां तक जवान पहुंचे, आप उनको लेके पहुंचे? ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारा पहले भी 12 जून को एनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक सुनीता नाम की एरिया कमेटी मेम्बर को मारे थे। 3 मार्च 2024 में भी एक जवान हमारा शहीद हुआ था, जिसमें भी 47 और एक डेड बॉडी कवर की। ये वही एरिया है, तो उस एरिया में जाना मतलब नक्सलियों के साथ आपका मुठभेड़ तय है। तो जब गए हैं तो अच्छी से तैयारी के साथ गए, और अनुभव के हिसाब से यही है कि वो एरिया ऐसा है कि वहाँ जब भी जाएंगे तो इनकाउंटर होगा। पुलिस पार्टी को हमेशा वहाँ डोमिनेट करने के लिए नक्सली, वो उनका माड़ एरिया कहलाता है, उनका हार्ड कोर एरिया है, तो उस जगह जाने में मतलब संभावनाएं पूरी रहती हैं कि इनकाउंटर जरूर होगा। अच्छा सर, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आपको कहा जाता है, ये आपका एनकाउंटर करने का उद्देश्य है या ये आपका रियल में आप इसको क्या समझते हैं, आपका ये कर्तव्य? ये पिछले 12 साल से मैं नक्सल फील्ड में काम कर रहा हूँ, बीजापुर में किया, राजनांदगांव में किया, और ये कांकेर जिला है, और मेरे को ये काम करने में अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है। इस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और जब तक करेंगे अब कोई नक्सल इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोले या ना बोले, काम यही करेंगे। जी देखिए, ये हैं लक्ष्मण केवट जी, और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, और इन्होंने जो कल 29 जो नक्सली मारे गए हैं उस DRG टीम का इन्होंने अगुवाई किया था, और उस दुर्गम इलाके में जो है अपनी टीम को लेकर पहुंचे और नक्सलियों को जवाबी फायरिंग में मार गिराया। खेम नारायण शर्मा, News 18 कांकेर। और आइए आपको अब उस जगह पर लिए चलते हैं जो ग्राउंड जीरो है, जहां पर ये पूरी मुठभेड़ हुई और वहां पहुंची न्यूज 18 की टीम। कितने विषम परिस्थिति में काम करते हैं, हम बाइक से सफर अब कर रहे हैं, और आप देखिए ये कोटरी नदी है, उसे पार करेंगे, और आप मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा, देखिए ट्रैक्टर कितने देर से ये फंसा है, सूखी जगहों पर भी फंसा हुआ है, कितनी चढ़ाई है करनी पड़ रही है, और आप सोच सकते हैं किस तरह से माओवादियों से
लोहा लिया हमारे जवानों ने और यहाँ पर 29 माओवादियों को मार गिराया और स्थिति यह है कि अब हमको बाइक से सफर करनी पड़ेगी। कांकेर में नक्सल मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चल रहा है और प्रदेश में सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में तेजी आई है। अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है। अमित शाह ने कहा कि 3 महीने में करीब 80 नक्सली ढेर कर दिए गए, 125 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। शाह ने कहा कि बहुत कम समय में नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था, 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सल मुठभेड़ की पूरी जानकारी ली और कहा कि यह सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा बलों ने जो जज्बा दिखाया है उसकी सराहना होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रदेश में शांति चाहती है। सरकार ने नक्सल समस्या को खत्म करने का संकल्प लिया है। जो समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उनका स्वागत। सभी वर्दीधारी नक्सली थे, हार्डकोर नक्सली थे, बड़ा असला उनसे बरामद हुआ है और सभी का पोस्टमार्टम आज किया जा रहा है, उन सब का चिन्हांकन किया जा रहा है। तो आज शाम तक और चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी, शायद कल तक का समय लगे। 29 शव हैं तो सबके पोस्टमार्टम में कल तक का समय लगे। पूरे विभाग में बड़ा उत्साह है इस विषय को लेकर के। जवानों ने ही बातचीत में कही कि ताड़मेटला की वो घटना याद आ गई हमको, जिसके जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद दिल्ली में कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े थे और मिठाइयाँ बांटी थी। उसके बाद भी सरकार हर हाल में चर्चा के लिए तैयार है। कोई एक व्यक्ति बातचीत करना चाहे, दो बात करना चाहे, छोटा समूह हो, बड़ा समूह हो, जो भी हो, सरकार बात करने तैयार है और हम हर हाल में ये चाहते हैं कि बस्तर में शांति बहाल हो। देखिए, मैं एकदम क्लियर कट आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये पूरी हमारी भावना का विषय है, इसमें चुनाव से कोई लेन देन नहीं है।